नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान उनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू की तरफ से 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया गया। पहले सेट में पीएम नरेंद्र मोदी खुद प्रस्तावक बने। इसके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत भाजपा संसदीय दल के सदस्यों ने उनके नाम का अनुमोदन किया। नामांकन की प्रक्रिया के दौरान जेपी नड्डा, अमित शाह और केंद्र सरकार के कई मंत्री भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर पहले एक नाबालिग बच्ची को प्रेम जाल में फंसाया और फिर जब पोल खुली तो जबरन निकाह की कोशिश की। डराने के लिए उसे जान से मारने की धमकी भी दी। बच्ची किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर भागी और थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे ढेरों ऐप्स होंगे जो आपको लाइव लोकेशन भेजने की सुविधा देंगे, लेकिन इनमें से अधिकतर अपना काम सटीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। जब भी लोकेशन की बात आती है तो हमें सबसे ज़्यादा भरोसा गूगल मैप्स पर ही होता है, लेकिन लाइव लोकेशन शेयर करने के लिए हम अभी भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसकी अब ज़रूरत नहीं है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों के मामलों में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने यह अर्जी 2018 में दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सिटी रवि कुमार की पीठ ने 9 दिसंबर 2021 को सुरक्षित फैसला रख लिया था। इसमें दंगों के मामलों की जांच कर रहे एसआईटी की तरफ से दायर क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी, जिसमें 64 लोगों को क्लीन चिट दी गई। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शरद पवार से मुलाकात के बाद संजय राउत आक्रामक तेवर में नजर आए हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे कैंप के बागी विधायकों को महाराष्ट्र वापस लौटने की चुनौती दे दी है। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने जो करना था कर लिया है, उन लोगों को बहुत सारे मौके दिए गए थे लेकिन अब हमारी चुनौती है कि लौट कर आए। यही नहीं, संजय राउत ने कहा कि बातचीत के सारे विकल्प दिए गए थे लेकिन अब हमारी तैयारी पूरी है, हम फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल करेंगे। देश में कोरोना के केसेस में बीते कई महीनों से कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन कुछ दिनों से ये आंकड़े डराने वाले हैं। बीते एक दिन में कोरोना के 17,336 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही देश में एक्टिव केसों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 88,284 तक पहुंच गई। 20 फरवरी के बाद कोरोना के नए केसेस का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले गुरुवार को नए केस की संख्या 13,313 ही थी। खासतौर पर महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई और पुणे जैसे शहर एक बार फिर से कोरोना का हब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में आर्थिक संकट इतना गहरा हो गया है कि अब आम नागरिकों से पेट्रोल बचाने और कम चाय पीने जैसी अपीलें की जा रही है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है ताकि पेट्रोल की बचत की जा सके। बैंक ने कर्मचारियों से कहा है कि वो वर्चुअल मीटिंग में शामिल हो और सप्ताह में 2 दिन घर से ही काम करें। बैंक का कहना है कि सरकार के पास पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए पैसों की कमी है, ऐसे में बचत करना जरूरी हो गया है। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो चुका है, जो कि 30 जून तक 5 दिन तक चलेगा। सरकार का फोकस अनुपूरक बजट और विधायी कार्यों पर होगा, लेकिन राजद समेत कई विपक्षी दलों के एजेंडे पर सेना में बहाली की अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग का प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मत से पास कराना है। तेजस्वी यादव की राजद चाहती है कि सदन से अग्निपथ स्कीम वापस लेने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करा दिया जाए, जिसकी संभावना कम है। पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने घोषणा की है कि उनके गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 32 गैंगस्टर और सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 13 सीधे तौर पर हत्या की साजिश में शामिल थे, जबकि 19 उनके सहयोगी थे। ये लोग गिरोह का अवैध गतिविधि, धन और हथियारों की आपूर्ति के अलावा अन्य रसद मुहैया कराने में मदद करते हैं। कोरोना वैक्सीन ने 2021 में भारत में 42 लाख से अधिक संभावित मौतों को रोकने का काम किया है। द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में यह दावा किया गया है। यह महामारी के दौरान देश में हुई मौतों की दर के अनुमान पर आधारित है। रिसर्च में पाया गया है कि कोविड-19 टीकों से महामारी के दौरान दुनिया भर में 20 मिलियन संभावित मौतें कम हुई है। असम के गुवाहाटी में शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे का कैंप मजबूत होता नजर आ रहा है। अभी और विधायकों के भी समूह से जुड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो प्रवर्तन निदेशालय या आयकर विभाग की जांच की आंच का सामना कर रहे हैं। शिवसेना के कुछ विधायक अपने खिलाफ जाँच के जरिए परेशान किए जाने के भी आरोप लगा चुके हैं। महाराष्ट्र में उठी सियासी तूफान अभी थमी नहीं है कि एक तरफ जहां मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास विधायकों का कम होना जारी है, वहीं गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे कैंप में लगातार ताकत बढ़ा रहे हैं। इधर पार्टी के सांसद संजय राउत के बयान से सीएम ठाकरे परेशानियों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इस दौरान अग्निपथ योजना की बड़ी चर्चा की संभावना भी जताई गई है। नेशनल हेराल्ड केस के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जुलाई महीने के आखिर में किसी भी समय पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा जा सकता है। सोनिया गांधी ने अपनी खराब सेहत की वजह से ईडी से आग्रह किया था कि उनकी पेशी की तारीख कुछ सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी जाए। ईडी ने उनके इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज यानी 24 जून को पेश होने की बात कही गई थी।
बिहार भाजपा के फायरब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बाबत विधायक ने पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि मामले की तफ्तीश की जानी चाहिए, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। बता दें कि भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया और अग्निपथ योजना को लेकर राजद और वाम दलों के तेवर तल्ख है। राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का कहना है कि पार्टी अग्निपथ योजना को लेकर विधानसभा में सर्वसम्मति प्रस्ताव पास कराने की कोशिश करेगी। विपक्ष की तरफ से सहयोग मिलेगा, कोशिश अन्य दलों से भी समर्थन की होगी। क्या जदयू की तरफ से भी इसके पक्ष में समर्थन होगा? इस सवाल पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि उन्हें भी समर्थन करना चाहिए। राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले इन दोनों विधायकों सहित 40 विधायकों ने अपनी संपत्ति का गलत हलफनामा प्रस्तुत कर दिया है। इनकी संपत्तियों में काफी गड़बड़ी मिली है, जिसके बाद अब आयकर विभाग इन सभी पर एक्शन लेने में तैयार है। हिमाचल के एक शख्स ने अपनी पत्नी को जन्मदिन पर ऐसा ही तोहफा दिया है कि हर कोई उसकी कीमत का बस अंदाजा लगा रहा है। कांगड़ा जिले के शाहपुर के रहने वाले हरीश महाजन ने पत्नी पूजा को तोहफे में चांद पर जमीन खरीद कर दी है। गुरुवार 23 जून को पत्नी के जन्मदिन पर हरीश महाजन ने यह तोहफा दिया। सड़क, रेलवे और सिंचाई क्षेत्र में सरकार के अपने पूंजीगत व्यय का आधा से ज्यादा हिस्सा खर्च करती है। पिछले वित्त वर्ष में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी टेंडरों में से लगभग आधी टेंडर सड़कें और रेलवे से जुड़ी है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की प्रोजेक्ट ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार जो इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण कंपनियों को दिए गए निष्पादन कार्य के क्षेत्र और राज्यवार डेटा को संकल्पित करती है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने 8900 बिलियन रुपये के टेंडर दिए हैं, जो वित्त वर्ष 2020-21 में जारी निविदाओं की तुलना में 11% ज्यादा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जाति सूचक दुर्व्यवहार सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए। अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ लंबित मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि यह पाया गया है कि कथित दुर्व्यवहार एक इमारत के तहखाने में किया गया था, जहां सिर्फ पीड़ित और उसके सहकर्मी ही मौजूद थे। मंकीपॉक्स वारंट के बढ़ते प्रकोप को वैश्विक आपातकाल घोषित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को अपनी आपातकालीन समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में कुछ विशेषज्ञों ने माना है कि पश्चिम में बीमारी फैलने के बाद ही WHO का निर्णय कोरोना वायरस महामारी के दौरान अमीर और गरीब देशों के बीच पैदा हुई विषम असमानताओं को दूर कर सकता है। मंकीपॉक्स को वैश्विक आपातकाल घोषित करने का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी प्रकोप को एक असाधारण घटना मानती है और इस बीमारी के और भी फैलने का खतरा है। संभवतः वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता बताई गई है। Amazon एक नए एलेक्सा फीचर पर काम करने जा रहा है, जो वर्चुअल असिस्टेंट को आपके परिवार के सदस्य की आवाज़ की नकल करने देगा और फिर सोते समय आपकी पसंदीदा सोने की कहानियां भी सुनाएगा। Amazon के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एलेक्सा के हेड साइंटिस्ट रोहित प्रसाद ने कहा है कि हम निसंदेह AI के स्वर्ण युग में जी रहे हैं, जहां हमारे सपने और साइंस फिक्शन हकीकत बनता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो COVID-19 के प्रसार का समय पर आकलन करने के लिए पर्याप्त जांच और प्रभावी निगरानी पर जोर देते हुए किसी भी संभावित परिवर्तन का पता लगाने के वास्ते निगरानी और संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण पर ध्यान केंद्रित रखे। संगरूर उपचुनाव के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव आयोग से मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाने की अपील की है। सीएम मान ने इस संबंध में ट्वीट किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने ट्वीट में कहा कि हम भारत के चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इस समय धान का मौसम है, कृपया मतदान का समय 7 बजे तक बढ़ा दे, ताकि वो लोग भी बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। वहीं इस मामले में चुनाव आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव और DC से जवाब मांगा है। पंजाब पुलिस के ADGP प्रमोद बान ने गुरुवार को कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने स्वीकार किया है कि वो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड था और पिछले अगस्त से इसकी योजना बना रहा था। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के प्रमुख बान ने कहा है कि एक अन्य आरोपी बलदेव उर्फ निकू को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान 2020 में निधन से पहले 3 दशक से अधिक समय तक जिस बंगले में रहते थे, वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नया आवास हो सकता है। सूत्रों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि 12 जनपद बंगलों को कोविंद के लिए तैयार किया जा रहा है और उनकी बेटी ने हाल ही में इस घर का निरीक्षण भी किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को तेलंगाना के 3 अलग अलग स्थानों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान CPI में कॉलेज छात्रों की भर्ती के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी को चिंता इस बात की है कि माओवादी दक्षिणी राज्यों के विभिन्न इलाकों में युवाओं को माओवादियों में भर्ती कराने के लिए उन्हें कट्टरपंथी बना रहे हैं। बिहार में मानसून ने राज्य में दस्तक दे दी है। प्रदेश के उत्तरी भूभाग में लगातार अच्छी बारिश हो रही है। इसकी वजह से मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी इलाके में नदियां उफान पर है। मिथिलांचल में अधवारा समूह और बागमती उफान पर है। बागमती मुजफ्फरपुर दरभंगा सीमा के बेनीबाद और खगड़िया जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अफगानिस्तान में अभी हाल ही में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्राकृतिक आपदा से घिरे इस देश को मदद करने का भरोसा दिया है। अफगानिस्तान में भीषण भूकंप से मची तबाही के बीच भारत ने कहा है कि वो इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के तैयार है। अफगानिस्तान में भीषण भूकंप से करीब 1000 से अधिक लोगों की जान गई, हजारों मकान तबाह हो गए हैं।
असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। 7 और लोगों की जान जाने से इस आपदा में अब तक कुल 108 लोगों की जान जा चुकी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित सिलचर शहर का हवाई सर्वेक्षण किया। असम राज्य आपदा प्रबंधन के बुलेटिन के अनुसार बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या घटी है। असम में बाढ़ से 30 जिलों के 45.34 लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि बुधवार को 32 जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 54.5 लाख थी। देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और दक्षिण गुजरात में हल्की से तेज बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड में आने वाले 1-2 दिनों तक शुष्क मौसम रहेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, इनके नाम है पवन गोस्वामी, संजीत कुमार, नुन्नू कुमार, विनोद कुमार राज, चिराग कुमार, कृष्ण यादव, अरविंद विश्वयुमी, चुन्नू कुमार, अंशु कुमारी, काजल कुमारी, मोहम्मद फैजान, कमलेश कुमार, नीतीश कुमार, प्रियांशु सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में बढ़ रहे COVID-19 के मामलों को देखते हुए क्या फिर से मास्क लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।